हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है बड़ा ही सुपर डुपर और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदलना और एसर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना। पहले आप समझ लीजिए इंट्रोगेटिव होता क्या है और एसर्टिव होता क्या है। इंट्रोगेटिव वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और एसर्टिव वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें कोई सूचना दी गई है, और ये सूचना अफर्मेटिव हो सकती है और निगेटिव हो सकती है। तो आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक है, खासकर इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए और उन स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश कंपटीशन में भी किसी भी स्टैंडर्ड पर किसी भी एग्जाम में जहां इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ जाते हैं वहां पर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इंट्रोगेटिव वाक्य को एसर्टिव में बदलना। पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, यदि इंट्रोगेटिव वाक्य में नोट आया है तो एसर्टिव में नोट हटा दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यदि इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव है तो एसर्टिव वाक्य अफर्मेटिव बनेगा, यदि इंट्रोगेटिव वाक्य अफर्मेटिव है तो एसर्टिव वाक्य नेगेटिव बनेगा। मोटी सी भाषा में समझ लीजिए, यदि नोट आया है तो नोट को हटाना है, यदि नोट नहीं आया है तो नोट को लगाना है। देख लेते हैं शुरू से। पहला सेंटेंस बड़े ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस, बड़े ही अमेजिंग सेंटेंस। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसे देख सके और बोर्ड एग्जाम में और इंग्लिश कंपटीशन में इसका लाभ ले सके। जिसका फायदा हो जाए उतना ही अच्छा है, जितने ज्यादा लोगों के पास चले जाए उतना ही अच्छा है, इसलिए शेयर भी करें। पहला सेंटेंस देखते हैं, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। कितना अच्छा सेंटेंस, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, तो अनपढ़ आदमी भी ऑटोमेटिकली कह देगा हर कोई जानता है। बड़े ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इनका आंसर एक यानी कि बिना पढ़ा लिखा आदमी दे सकता है, लेकिन स्टूडेंट लिख सकता है और उसे समझ सकता है। बिना पढ़ा लिखा आदमी लिख नहीं सकता, आंसर खुद दे सकता है। अगर आपने किसी से क्वेश्चन पुट अप किया महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, तो भी कह देगा हर कोई जानता है, क्योंकि महात्मा गांधी फेमस व्यक्ति है, देश के राष्ट्रपिता है। तो देख लेते हैं, Who does not know महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। मैंने आपको अभी कहा है, अभी अभी बताया है, यदि इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव है तो एसर्टिव वाक्य अफर्मेटिव बनेगा। तो ये क्या बनेगा, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को हर कोई जानता है। ये हो गया आपका एसर्टिव सेंटेंस। और ये कैसा सेंटेंस हो गया, एसर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। एसर्टिव वाक्य दो तरह के होते हैं, एसर्टिव को हिंदी में कहते हैं विधि सूचक वाक्य, ये दो तरह के होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव। एक बात का ध्यान रखना आपको, यदि हु से आरंभ होने वाले वाक्य में नोट आया है तो एसर्टिव वाक्य हमेशा एवरीबडी से बनेगा, एवरीबडी से, हर कोई जानता है। हु डज नॉट नो मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता, एवरीबडी नोज नरेंद्र मोदी, हर कोई जानता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, नो में एस लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एसर्टिव वाक्य में अफर्मेटिव वाक्य में एस एस लगाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, हु डज नॉट लाइक टू बी फेमस। कितना अच्छा सेंटेंस, अगर आप किसी पागल से पूछ लोगे हु डज नॉट लाइक टू बी फेमस, प्रसिद्ध होना कौन चाहता, तो वो भी कह देगा हर कोई चाहता है। एवरीबडी लाइक्स टू बी फेमस, एवरीबडी लाइक्स टू बी फेमस। हु से आरंभ होने वाले वाक्य में यदि नोट आया है तो आंसर हमेशा एसर्टिव वाक्य हमेशा एवरीबडी से बनेगा। इसी तरह से यदि हु से आरंभ होने वाले वाक्य में नोट नहीं आया है, हु से आरंभ होने वाला वाक्य एसर्टिव है, अफर्मेटिव है, तो आंसर नोबडी या नन से दिया जाएगा। जिस तरह से हु कैन काउंट द स्टार, तारों को कौन गिन सकता है, Nobody can count the stars, तारों को कोई नहीं गिन सकता, या None can count the stars, तारों को कोई नहीं गिन सकता। तो इसके लिए आपको दो वर्ड सब करने हैं, कोई सब कर सकते हैं, चॉइस है आपकी,
या तो नोबडी से दीजिए उत्तर या नन से दीजिए. नन मैंने कोई नहीं, नोबडी मीन्स कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं. तो इसे ध्यान से देखिए आप, यदि हु के बाद नोट नहीं आया है तो एसेप्टिव वाक्य नोबडी या नन से बनेगा. मोटी भाषा में आपको बता दूं, यदि इंट्रोगेटिव वाक्य में नोट आया है तो एसेप्टिव में नोट हट जाएगा, यदि इंट्रोगेटिव वाक्य में नोट नहीं आया है तो एसेप्टिव में नोट लग जाएगा. इसी तरह से एक सेंटेंस और देख लेते हैं. When can a murder die? एक शहीद कब मर सकता है? When can a murder die? एक शहीद कब मर सकता है? तो when का नेगेटिव नेवर होता है. A murder can never die. एक शहीद कभी नहीं मर सकता क्योंकि वो अमर हो जाता है. अपने देश के लिए मरने वाला अमर हो जाता है. तो इसका आंसर सीधा सा है, A murder can never die. तो when का नेगेटिव क्या हुआ? Never. इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं. वाज राणा प्रताप नोट ब्रेव. क्या राणा प्रताप बहादुर नहीं थे? किसी ने क्वेश्चन पुट अप किया, वाज राणा प्रताप नोट ब्रेव. तो हर के उत्तर देगा राणा प्रताप वाज ब्रेव, राणा प्रताप बहादुर थे, क्योंकि रेल में बहादुर थे, बहादुर थे. तो इसमें वाज राणा प्रताप नोट ब्रेव, इसमें नोट आया है तो राणा प्रताप वाज ब्रेव, राणा प्रताप बहादुर थे, राणा प्रताप बहादुर थे, राणा प्रताप वाज ब्रेव. इसी तरह से वाई वेस्ट मनी. वेरी इंटरेस्टिंग सुपर डुपर सेंटेंस आज का. वाई वेस्ट मनी, वाई के स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश प्रूफ ठोकते हैं. वाई के स्थान पर ठोक दीजिएगा, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश प्रूफ. और शेष वाक्य को मत छेड़िएगा, सेम का सेम लिख दीजिएगा. जिस तरह वाई वेस्ट मनी, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी. इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, बड़ा ही इजी सेंटेंस है. वाई के स्थान पर क्या लगाना है? इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू. शेष वाक्य को सेम जोड़ दीजिए, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी. वाई के स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू लगाते हैं. इसी तरह से व्हाट दो वी फेल इन द बिगनिंग, व्हाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर मच लगाते हैं. इट डज नॉट मैटर मच लगाते हैं व्हाट के स्थान पर. और शेष वाक्य को छेड़ते नहीं, बिल्कुल सेम लिखते हैं. It does not matter much we fail in the beginning. It does not matter much we fail in the beginning. ये दो सेंटेंस अक्सर बोर्ड एग्जाम में और इंग्लिश कंप्यूटर में पूछे जाते हैं. Why के स्थान पर it does not, sorry, it is extremely foolish to लगाते हैं, और what के स्थान पर it does not matter much लगाते हैं. अब देखते हैं आखिरी सेंटेंस आज का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस, बड़े ही अमेजिंग सेंटेंस. Can a man change his skin? क्या आप एक व्यक्ति अपनी त्वचा बदल सकता है? A man can not change his skin. एक व्यक्ति अपनी त्वचा नहीं बदल सकता. तो डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. दैट्स ऑल फॉर द डे. हैव ए गुड डे.